हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के बारे में। ये ऐसा सेक्शन है मैथ का जिसके लिए बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, एग्जाम्स में जाते हैं, तो उनको बहुत परेशानियां होती है। इसलिए हमने सोचा कि पहले बेसिक ही बता दिया जाए कि जो एग्जाम देने वाले हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हों, टेंथ में हो, नाइन्थ में हो, किसी भी क्लास में हो, सभी क्लास में जो है ये वर्गमूल स्क्वायर रूट जरूर आता है। तो देखते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है। वह गुणनफल संख्या का वर्ग तथा स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। यानी डेफिनेशन ये कह रहा है, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 3 एक नंबर है, तो 3 का अगर 3 में इंटू करेंगे तो 9 होगा। तो 3 का जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो 9 होगा, लेकिन 9 का जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वह 3 होगा। ठीक है, एक और यहाँ पे समझते हैं। अगर यहाँ लिखते हैं 2 × 2, ये 4 होता है। यहाँ जो 4 है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 का वर्ग है, लेकिन 4 का जो स्क्वायर रूट होगा, जो वर्गमूल होगा, वह कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये वर्गमूल का साइन है स्क्वायर। यहाँ जहां भी अगर डिजिट भी ऐसा दिखे तो समझिए आपको क्या करना है, वहां वर्गमूल फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कुछ मार्केबल पॉइंट से इसको समझ लेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं पूर्ण वर्ग। अब है जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 से, 0, 1, 2, 3। तो जो भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम पूर्ण संख्या जोड़ देंगे, उसमें अगर 0 इंक्लूड कर देंगे तो पूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या होती है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इनफाइनाइट। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। यहाँ देखेंगे 4 का वर्गमूल क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो 4 को क्या बोलेंगे, उन्हें पूर्ण संख्या, यानी उसको परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आया। अब है जिन संख्याओं की इकाई संख्या है, मान लीजिए उसकी इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 अगर होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है ऐसे, तो इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 है ना। तो इसका मतलब हुआ, अगर इसका किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर 2 होता है या 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, इसमें से कोई भी, चारों में से कोई भी याद कर लेना है, हमेशा याद रखना है, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती है जिसकी इकाई अंक इसी चारों में से कोई भी एक आता हो। ओके, उसके बाद है वर्गमूल में अंकों की संख्या। कोई कोई पूछ लेता है वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। फर्स्ट है, वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है n/2। तो n क्या है कि संख्या में अंकों की संख्या समूह। संख्या मतलब क्या, जो क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ देख लेंगे एग्जाम्पल से समझा देते हैं, सब क्लियर होगा। बेसिक जितना भी वर्गमूल का स्क्वायर रूट का बेसिक है ना, आज सब क्लियर करने वाले हैं, आराम आराम से समझेंगे। वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2, यानी संख्या में अंकों की संख्या समूह। जैसे मान लीजिए 1, 16, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, n/2 कब होगा, जब संख्या में अंकों की संख्या सम होती है। यहां समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं, एन का वैल्यू 4 है, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है ना, यहाँ 4 लिखेंगे, और 4 क्या है, ये सम संख्या है।
तो इसमें अगर इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, बात समझ रहे हैं, इसको अगर निकालना हो तो यहाँ हम डायरेक्ट एन बाई टू अप्लाई करेंगे, एन का वैल्यू फोर होगा, बाई में टू तो रहेगा ही, टू टू या फोर, ये टू बनेगा आंसर। ऐसे ही कितने भी अंक वाली संख्या हो, अगर उसमें अंकों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं, अगर सम आती है, सम समझते हैं टू का मल्टीपल टू फोर एट सिक्स ऐसे, तो उसमें डायरेक्ट हम टू से डिवाइड करेंगे तो अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है? दूसरा है, वर्गमूल में अंकों की संख्या कब एन प्लस वन बाई टू कब अप्लाई करेंगे, जब संख्या में अंकों की संख्या विषम हो, यानी कोई क्वेश्चन दिया मान लीजिए 144 है और इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा एन प्लस वन बाई टू। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो एन का वैल्यू हो कितना है, थ्री है, वन टू थ्री, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, थ्री प्लस वन बाई टू ये हो जाएगा फोर बाई टू, कट होगा टू इज द राइट आंसर, ठीक। अगर सब जो क्वेश्चन दिया है उसमें अगर एन आता है, जो संख्या काउंट कर लेंगे कितने हैं, अगर सम आते हैं तो एन बाई टू अप्लाई करेंगे, अगर विषम आता है तो एन प्लस वन बाई टू, अगर और नंबर आता है तो एन प्लस वन बाई टू, अगर यदि उसमें अंकों की संख्या काउंट कर लेंगे, अगर इवेन आता है, ठीक है, सम आता है इवेन आता है तो वहां एन बाई टू अप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई टर्म अगर नहीं समझ में आता है तो डिफिनेट आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद है वर्गमूल निकालने की विधि। अब यहां से हम चलते हैं, पहला है गुणनखंड द्वारा, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यह है भाग क्रिया द्वारा यानी डिवाइड प्रोसेस, दो मेथड से। तो ये दोनों मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मेथड आपको इजी में समझ में आ जाए उसको जरूर याद कीजिएगा, समझिएगा। और आगे गुणनखंड द्वारा, वर्गमूल द्वारा कैसे याद करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं वर्गमूल, और भाग द्वारा नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे।